कर से बाद ढोलकपुर में इतनी अच्छी फसल हुई है। ऐसे मौके पर तो जश्न होना ही चाहिए। पर ध्यान रहे, लड्डू बांटने से पहले कहीं बच्चे उन्हें चुरा ना ले। जैसे ही इनकी नजर हटे हम लड्डू पर टूट पड़ेंगे। चुटकी मौसी, देखो आसमान में कितनी सुंदर पतंग उड़ रही है। पतंग कहाँ है? पतंग वहाँ उन पेड़ों के पीछे छुप गई। देखना अभी बाहर आएगी। जब बच्चों के पास कोई काम नहीं होता तो उन्हें मस्ती सूझती है। जाओ और जाकर जश्न की तैयारियों में हाथ बटाओ। चुटकी तुम भी जाओ और सबकी मदद करो। ठीक है माँ। चाचा क्या हम आपकी मदद करें? कितने प्यारे बच्चे हैं। बच्चों सजावट के लिए जंगल से आम के कुछ पत्ते लेकर आओ। ओहो, आज किस्मत में लड्डू नहीं, सिर्फ काम है। हमें लड्डू मिलने ही वाले थे पर ये जग्गू और भीम ने आकर सब गड़बड़ कर दी। गड़बड़ हमने नहीं, तुमने की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Yeah.
खत्म ही नहीं कर पाते। अभी बताता हूँ, रुको। चाहते हैं, चलो चुटकी। वाह, भी मजा आ गया। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। सच्ची। लीजिए चाचा। शुक्रिया बेटी। आप भी लीजिए। गर्मी का कोई सही तोड़ है तो वो है पुदीना वाला नींबू शरबत। सच में इस बार तो गर्मी ने नाक में दम कर दिया है। नदी कुएं भी सूख रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो जल्द ही ना जानवरों के लिए हरी घास बचेगी ना हमारे खेत। वैसे तो अब तक थोड़ी बहुत बारिश हो जानी चाहिए थी, पर न जाने मौसम ऐसा बेढंगा सा क्यों हो चला है। क्या सुन रहा हूँ? वो डाकू शेर सिंह पूरी की पूरी नदी बंद करके बैठ गया। डाकू शेर सिंह तो एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब पगड़ी नगर के भविष्य के लिए मैनू कुछ अलग ही सोचना होगा। अरे पापा जी, मैनू एक चंगा इलाज पता है इन शेर सिंह जैसे बदमाशों का। कौन है वो? आप जानते हैं उसे? अरे अपना भीम। हाँ, अपना भीम। मैं भी ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा को चिट्ठी लिखता हूँ। वाह मन्नू मेरे दोस्त, वाह 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 वाह, 10 में से 7 तीर निशाने पे, 7। ये टिंगू लालपुर में मेरे बहुत काम आ सकता है। कल ढोलकपुर का वो राजू बोटकपुर के सामने अपनी हार मानेगा, 10 में 7। याद रहे मन्नू, बोटकपुर की हार नहीं होनी चाहिए। कल भी 10 में 7, पूरे 7। राजू, तुम्हारा निशाना कभी गलत नहीं होता। कल बोटकपुर की हार पक्की, 10 में 10। भीम, तुम तो जल्दी आ गए। महाराज ने बुलाया है, जल्दी तो आना ही था। भीम, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। भीम, तुम्हें राजा हरदयाल याद हैं? तुम और इंदुमती बचपन में उनसे मिले थे? जी हाँ, राजा हरदयाल पंजाब के पगड़ी नगर के राजा हैं। राजा हरदयाल को तुम्हारी मदद की जरूरत है भीम। पगड़ी नगर में एक शैतान डाकू ने नदी पर कब्जा कर लिया है। आप फिक्र ना करें,
हम अभी पगड़ी नगर के लिए रवाना हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे जाने के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। हम काफी खुश हैं कि तुम इतनी जल्दी आ गए। महाराज, महाराज, शेर सिंह की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरी क्या, सब किसानों की फसल सूख जाएगी। पगड़ी नगर में सूखा पड़ जाएगा, सूखा। ललन, हम सबको ले चलो उस नदी तक, हम भी देखें कौन है ये शेर सिंह। क्या पड्डी नगर का राजकुमार लालन खुद दर्शन देने चले आए? शेर सिंह, इस नदी को खोल दो, वरना। वरना क्या? वरना हम तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। तो मुझे हराने के लिए ढोलकपुर से बच्चे आए हैं। चलो, अब क्योंकि तुम बच्चे हो, छोटी से प्यारे से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। खेल ये होगा कि अगर तुम मुझे 3 मुकाबलों में हरा दोगे तो मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा और नदी तुम्हारी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? पहले तुम में से कोई 2 मुकाबला करेंगे मेरे 2 आदमियों का। तुम्हें मेरे आदमियों से ज्यादा पराठे खाने होंगे। है? ये क्या बात हुई? मैं जाऊंगा, पराठे तो मैं यूं ही खा जाता हूँ। खाओ कालिया, सारे खाने हैं। क्या बात है चुटकी, कालिया के लिए? तो बताओ कौन जीता? सरदार, ये बच्चे जीत गए। हैं? कैसे? ठीक, अब दूसरा मुकाबला। तुम बच्चों ने मेरे आदमियों को बांगड़े में हराना है। ललन, ये भांगड़ा तो हमें ढंग से नहीं आता है। और चिंता नहीं भीमा, पंजाबी ढोल सुनोगे ना तो खुद ही भांगड़ा करने लगोगे। और शुरू करो, चलो। ठीक है, चलो तुम इस बार भी जीत गए। अब तुम्हें जीतना होगा कुश्ती का मुकाबला। सारे के सारे जाओ, खोल दो नदी, बहने दो इस नदी को।
अब तो मैंने नदी खोल दी है, अब तो मैं सच्चा पंजाबी हूँ कि मैं झूठ बोल लिया? कोई ना भीम, हम फिर से तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब तुम्हारी वजह से पगड़ी नगर में फिर से फसल उगेगी और सबको पीने का पानी मिलेगा। अब ते रहना भीम। चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, मैं तुम सबको याद रखूंगा। मुझे चाहिए एक वो और एक ये। जरूर जरूर, जल्दी दीजिए। ये भी लाइए, ये लीजिए पैसे। अरे इतना सारा सामान इतने से पैसे में थोड़ी आएगा, कोई एक चीज ले लो बस। हाँ अच्छा, फिर ये रहने दीजिए यार, ये दे दीजिए। रुकिए रुकिए, ये नहीं वो वाला ले लेता हूँ। ये आप वापस ले लीजिए और मुझे वो दे दीजिए, वो वाला। क्या हुआ उस्ताद? कालिया उस्ताद, क्या आप कहीं गिर गए? मैं तो खुशी से चिल्लाया क्योंकि चिप्स के पैकेट में से ये लकी कूपन निकला है और एक आलीशान जगह पे लंबी छुट्टी पे जाना है। चलो जल्दी करो जल्दी, सब अपना अपना सामान बांध लो। बस कुछ घंटे और फिर पूरा हो जाएगा मेरा 100 सालों का इंतजार और खिल जाएंगी ये जादुई कलियां और इनकी शक्तियों से हो जाऊंगी मैं अजर अमर। था मेरा कमाल। राजू ये कमाल तेरा नहीं, आचार्य धूमकेतु के आविष्कारों का है। भीम, मैं तो भूल ही गई, मानी तुम्हें बुलाया है। और ये देखो, लीजिए भीम,
अकेले ही संभाल लेगा। अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या करें? कुछ भी खेलने का मन नहीं कर रहा। ये हुई ना बात जग्गू। हाँ, हम जाएंगे मछली पकड़ने। चलो चलो बड़ा मजा आएगा। चलो। ये तो जादू ही लगता है। हमें इसे ढोलकपुर धूनी बाबा के पास ले चलना चाहिए। हाँ ठीक है। धूनी बाबा, हमें नदी में ये अजीब बक्सा मिला है। बच्चों, अगर मैं सही हूँ तो ये चमत्कारी जादुई फूल हैं, जो 100 सालों में एक बार खिलते हैं। इनकी शक्तियों से बीमार पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। और तो और, अगर गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत तबाही भी मचा सकते हैं। पर ये जादुई फूल नदी में क्या कर रहे थे? ये तो पता नहीं बेटा, पर इनका उपयोग हम ढोलकपुर की जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। कहाँ गए मेरे जादुई फूल? किसने उन्हें चुराने की हिम्मत की? कौन है जो? क्या तुम में से किसी ने ये गुस्ताखी की? ये कौन है? कौन नहीं, ये पूछो क्या है। मैं नाग कन्या सरपंगी हूँ और तुम सब ने एक बहुत बड़ी गलती की है। छोड़ो, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। क्यों बच्चों? किसी को मैं पकड़ लूंगा। ये लो जग्गू। जग्गू यहाँ यहाँ। मैं तो कभी पकड़ में नहीं आऊंगा। चूक गए तुम भीम, चूक गए। वाह जग्गू। नहीं चूका जग्गू। अब तुम डेनर। भीम, क्या कमाल का पकड़ा।
क्या क्या बढ़िया खेलता है ना भीम। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खेल रहा होता तो ऐसे ऐसे कमाल दिखाता, ऐसे कुंग फू पैंतरे अपनाता कि अपने साथ साथ हमारा भी पैंतरा खराब कर दिया। वैसे सेब गिराने का शुक्रिया कालिया। अपने उस्ताद की है ही आदत ऐसी, दिखाने चलते हैं पैतरा ऐसा जिससे हर कोई हारे, उल्टा गिरा बैठते हैं सेब सारे और हमें दिखा जाते हैं तारे। बड़बड़बान, वरना मुंह में पाओगे ये पड़े सेब सारे। अरे तारों से याद आया, आज शाम को हम सबको महल जाना है ना तारे देखने। हाँ, राजकुमारी इंदुमती ने हम सबको खास न्योता दिया है। तब तो आज महल में खास दावत का भी इंतजाम किया गया होगा, तीखे समोसे, करारी कचौरी और टुनटुन मौसी के मजेदार लड्डू। ओहो, माँ ने मुझे आज घर जल्दी बुलाया था उनके काम में हाथ बटाने के लिए। हाँ, काम, हम बच्चे भला घर का काम क्यों करें? हाँ, क्योंकि इससे हम ना केवल अपने माँ बाप की मदद करते हैं बल्कि खुद कुछ नया भी सीखते हैं। माँ कहती है कि जिम्मेदारी सीखने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर तुम घर का काम करती रहोगी तो महल कैसे चलोगी हमारे साथ? मुझे माँ की मदद तो करनी ही होगी। तो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे चुटकी, चलो जल्दी शाम होने ही वाली है। चलो तो शुरू हो जाओ। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा, जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा, जुम जुम जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा, जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा, जुम जुम लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे दिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा पूरा। जम 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 जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा, जादू ऐसा सिखला दूं पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए वक्त को ठहराए, पानी पे चलते जाए हर राग में तू गाए, जादू ऐसा दे तू कोई काम न रहे अधूरा, नदियों को जमा दे तू पर्वत को कर दे चूरा, जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा, जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा। एक के दो के तीन, तीन के चार, चार के पाँच, पाँच के दस, दस के बीस, बीस के तीस, तीस के चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, पूरे सौ। एक के दो के तीन, तीन के चार बना दे, दिन में ही अपने दुश्मन को तू तारे दिखला दे, सूरज को ठंडा करके चांद जला दे पूरा, बोले गुरु हो जा शुरू जमूरा जमूरा, जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा, जादू ऐसा सिखला दू पत्थर उठ जाए पूरा, लड्डू तुझे खिला दू केला तुझे खिला दू जादू तुझे सिखा दू मैं ये पूरा। Zoom!